नमस्कार नेशन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। हमारे साथ हैदर काजमी जी हैं जो एक मूवी ला रहे हैं चुहिया। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ इस मूवी में खास होगा। मूवी को लेके आपने काफी इनिशिएटिव दिखाया, आपने एक तरफ बताया भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार जो लिटरेसी रेट है, सर एक छोटी सी बात है कि बिहार में लिटरेसी रेट 70.7% है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड से और इंडिया से भी 7% नीचे है, सर इसको लेके आप क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम लोग एक ही ट्रैक पे चल रहे हैं, बड़ा होकर मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बस वही दो ही चीज़ लिखा और टीचर बनेगा, चौथा कोई फील्ड उनको डिजिटल विजिटल का कोई पता नहीं। जबकि इतने सारे मीडिया, फिल्म मेकिंग के लिए हम बॉम्बे भाग जाएंगे तो थोड़ी हीरो बन जाएंगे या डायरेक्टर बन जाएंगे। यहाँ से अगर प्रॉपर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूशन कुछ इंस्टीट्यूट रहेगा तो मेरे ख्याल से कहीं भी वो हार नहीं पाएगा। तो सर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को लेकर आपने कुछ इनिशिएटिव रखा है, सर आपने बताया था उसके बारे में ज़रा जिक्र करें। हमारा इंस्टीट्यूट खुल रहा है अभी और जिसमें हम एक्टिंग डायरेक्शन सब की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, तो ये सब विज़न है हमारा। फिल्म सिटी है बिहार में अली नगर पाली में, हैदर काजमी फिल्म इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम फिल्म मेकिंग का भी कोर्स शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी और फिल्म एक्टिंग ट्रेनिंग का भी खोल रहे हैं और फिल्में जो बनेंगी उसमें जो ट्रेंड होगा उसको काम मिलेगा उसमें। सर, तो थिएटर, सर आपने बताया कि आपने काफ़ी थिएटर करा है, सर थिएटर के लोग, सर काफ़ी बच्चे हैं जो नहीं आगे बढ़ पाते हैं, सर उन्हें आगे की कुछ रणनीतियाँ नहीं मिल पाती हैं, शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनको लेके आप सर क्या बोलना चाहते हैं? अभी जागरूक होना पड़ेगा और मैं अभी हूँ यहाँ पे, अभी मैं उन लोगों से मिलने वाला हूँ। मैं जो भी उनसे अभी भी मैं आपके माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जिसको भी मैं एक महीना पाली में हूँ आए वहाँ पे मुझसे डिस्कस करें, फिर एक प्रोग्राम रखेंगे, हम उन लोगों को गाइड करेंगे पूरा, वो भी फ्री, कोई ऐसा उसके चार्जेस नहीं है मेरे लिए। तो ये इस मूवी के बारे में सर कुछ बताएं। ये फिल्म एक फीमेल वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, अब मोस्टली मैन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है उस स्लोगन को मद्देनज़र रखते हुए बिहार के एजुकेशन सिस्टम को दिखा रहा हूँ और लड़की की कितनी अहमियत है, एजुकेशन कितना ज़रूरी है और उसके पीछे उसको कितनी बाधाएं आ रही हैं, वो हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा सिनेमा है और इसमें बहुत मैसेज है, खाली सिनेमा इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बिहाइंड दैट देयर इज़ अ बिग मैसेज फॉर वुमेन्स। थैंक यू सर। तो इस तरीके से हैदर काजमी जी ने बताया कि बिहार में एक मूवी ला रहे हैं जिसकी शूटिंग जहानाबाद में हो रही है और बिहार में ही सब कुछ है फिलहाल। आप देख सकेंगे उनका एक मैसेज भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के रास्ते पर उन्होंने एक मूवी बनाई है जो कि जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। और उन्होंने जनता से भी कहा कि जो लोग थिएटर करते हैं उनके लिए भी काफ़ी उत्साहित हैं और लोगों से मिलेंगे और इसको लेकर बात भी करेंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद। चुहिया फिल्म एक जो ये फिल्म फेस्टिवल के लिए जा रही है और इसकी कॉन्फ्रेंस मैंने बिहार में फर्स्ट टाइम रखी है। इसका दो मुद्दा है, रखने की वजह ये नहीं है सिर्फ कि हमको, पहली बात तो हम बिहार से जहानाबाद से हैं, हमारा एक फिल्म सिटी हमने बनाया है पाली में जहाँ ये चौथी फिल्म है जो शूट की, इससे पहले मैंने बैंडिट शकुंतला शूट की थी जो अमेरिकन फिल्म मार्केट में इसका पोस्टर लॉन्च किया था, अभी वो रिलीज पे है। चुहिया बनाने की या यहाँ फिल्म लाने की वजह यह है कि एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का नारा है और जो जिसके लिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, सिर्फ पढ़ के पेपर में छोड़ नहीं देना चाहिए। तो ये मुद्दा है कि लड़की के एजुकेशन के लिए, कि हम लोग गाँव में, शहरों में तो चलो सारी फैसिलिटीज़ है, गाँव में लड़कियों को पढ़ाने की कितनी दिक्कत आती है, लोग माँ बाप बच्चों को पढ़ाना, बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बार सोचते हैं चलो नवीं पढ़ ली आठवीं पढ़ ली अब इसकी शादी कर दो। तो वो मुद्दा मेन है जिस पर ये बेस है ये फिल्म, एक लड़की की कहानी जो चुहिया है जिसका घर का नाम, बच्चों का नाम कैसे रख दिया जाता है, तो ये वो कहानी है, ये मुद्दा है। और दूसरा बड़ा मुद्दा मेरा बिहार में शूटिंग करने का ये, बॉम्बे से पूरी यूनिट आई है, उसका वजह सिर्फ यही है हमारा कि बिहार में आज के जो यूथ हैं वो लोग चाहते हैं कि हम फिल्म में काम करें, सिनेमा देखें, चलो उसके उसी तरह हम भी करें, मगर यहाँ पे कोई फिल्म सिटी नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है एक्टिंग की या डायरेक्शन की या कोई भी टेक्नीशियंस की। और ड्रीम तो बहुत है, बिहार में हमारे टैलेंट है, सब टैलेंटेड लोग बड़े बड़े, चाहे प्रकाश झा हो, कोई भी हो, मनोज तिवारी जी हो, चाहे कोई भी हो, हम भी हैं तो बिहार से ही है, तो उनके एजुकेशन के लिए तो यहाँ पे तो एक फिल्म सिटी होनी चाहिए जिस पर सरकार का किसी का भी इतना ध्यान भी नहीं गया है। तो मैं अपने बल पे छोटा मोटा एक प्रयास कर रहा हूँ और मुझे मेरे मीडिया से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक सर्कुलेट किया जाए ताकि वो प्रयास में हमको सरकार का भी साथ मिले।
मेरा प्रयास रहेगा, मैं कोई नेता तो नहीं हूँ, मगर एज ए फिल्म मेकर मेरा प्रयास रहेगा जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ उस क्षेत्र का कुछ विकास होना चाहिए। हम लोग सब पढ़ लिख के चले जाते, कोई लंदन चला जाए, कोई बम्बई में जाके हीरो बन जाता है, मगर किसी सुशांत जी के मरने के बाद पता चला कि वो बिहार से थे, आधे लोगों को तो पता ही नहीं था वो बिहार के हैं। सही बोल रहा हूँ? क्यों? क्यों? क्योंकि हर कोई शर्म करता है। अरे भाई पटना का क्यों बोलूँ, मैं आज तक सबको पता, कालिया में लेके आया, मैंने बैडिट शकुंतला बनाया, मैंने लड़ाई भोजपुरी फिल्म बनाई, मैंने हिंदी फिल्म बनाई जितनी भी, मैंने जिहाद बनाई जो कि कांस में गई थी हमारी इंटरनेशनल, तो मैं सबको पता है ये बिहार का। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग इतनी दूर से हम लोग को, हाँ इसका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब लोग अपने अपने जैसे लगते हैं, फीलिंग वो वैसे ही आती है, घर का खाना हर चीज़। बॉम्बे में तो आई थिंक किसी को नसीब होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरा फैमिली वाला फीलिंग रहता है, जहाँ भी आप जाते हो कुछ भी हो तो अफकोर्स अच्छा लगता है। हाँ अफकोर्स अपना अपना सा फील हो रहा है, आप लोगों से बात कर रहे हैं। बिहार पहली बार आई है या? मैं बिहार पहली बार आई हूँ। बिहार में जो आई है तो कुछ सोच कर ही, मतलब क्या अच्छा लगा यहाँ पे? यहाँ पे लोग जब भी बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ मुंबई में आप किसी से बात करते हैं तो तुम क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम करके बात करते हैं, मतलब हम सब। बिहार में कबा ओके कबा, तो हम भी आता है ना, हम भी बोलते हैं हम, मैं नहीं बोलते, हम बोलते, हम मतलब हम सब आ जाते।